और इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान दो लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। जजों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जज को तो कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए, जजेस की इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन किया जाता। रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती, इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दोलख ना होता, ना लीडर फांसी लगते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्ला का सेमिनार से खिताब, बोले जजेस पर सोशल मीडिया का असर नहीं होना चाहिए, ना ही जजेस को तनकीद से घबराना चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी, तनकीद करने वाला भी अगर अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। मौजूदा दौर में जुर्म साबित होने से पहले सजा दी जाती है। हम मर्जी के फैसले और मर्जी की गुफ्तगू चाहते हैं, हर कोई खुद से पूछे हम किस तरफ जा रहे हैं। शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद के साथ जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज। साबिक कौमी क्रिकेटर कप्तान शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली, सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर। अदाकारा सना ने भी इंस्टाग्राम पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। दोनों स्टार्स की ये दूसरी शादी है। शुएब मलिक ने पहली शादी 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से की थी। उनका एक बेटा अजहान मिर्जा मलिक भी है। सानिया ने शुएब से खुला लिया, सानिया के वालिद का रद्द अमल। अदाकारा सना की पहली शादी उमेर जयसवाल से हुई थी। क्रिकेटर्स, शोबिज शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से शुएब और सना को मुबारकबाद के पैगामात। पाकिस्तान का ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने का फैसला, सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का भी फैसला हो गया। निगरान वज़ीरे खारजा और ईरानी हमनसब का टेलीफोनिक राबता, सफीरों की जल्द वापसी पर इत्तेफाक। जलील अब्बास जिलानी ने सिक्योरिटी मामलात पर करीबी तआवुन की जरूरत पर जोर दिया। एक दूसरे के चैलेंजेस मुश्तरक हिकमत अमली से हल करने पर भी रजामंदी की गई। गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी ने भी ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे पर इत्तेफाक किया। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर अफवाज के पेशावराना रद्द अमल की तारीफ की। निगरान हुकूमत और पाक फौज के इकदाम के मजबूत नतायज आने लगे। IMF ने पाकिस्तान की मौआशी बेहतरी की तस्दीक कर दी। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से पाकिस्तान की मईशत दरुस्त सम्त पर गामजन है। तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 अरब से बढ़कर 8 अरब 20 करोड़ डॉलर हो गए। रवा साल मौआशी तरक्की की शरह बढ़कर 2% और बेरोजगारी की शरह कम होकर 8% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आलमी सरमायाकारी ज़रूरी है। मुआशी बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IPO समिट से वीडियो लिंक खिताब। बोली कैपिटल मार्केट सख्त शरह सूद पर तरक्की नहीं कर सकती, उसे सरमायाकार दोस्त बनाना होगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक रुख्सत मांग ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को लिखे खत में कहा कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सरंजाम नहीं दे सकते, 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियां दे दी जाएं। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर्ड हो रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में £190 मिलियन और तोशाखाना समेत अहम केसेस जेर समात हैं। मनसब और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर लाडला और लाडला बुलाने वाले आज खुमियाजा भुगत रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने हम पर दहशतगर्दी के पर्चे किए। लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद कहा महंगाई से निजात सस्ती बिजली और गैस, रोजगार और अमन का फार्मूला नवाज शरीफ के पास है। नून लीग की हुकूमत आएगी तो सब मसाइल हल हो जाएंगे। मरीम औरंगजेब, जावेद लतीफ और दीगर की ATC में पेशी, बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, पोस्टल बैलेट से वोटिंग का आगाज। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी शुरू। अहल अफराद दरख्वास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करें। 22 जनवरी तक मुतालिका RO तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करें। उधर आम इंतखाबात की तैयारियां भी जोरों शोर पर, बैलेट पेपर्स की छपाई जल्द मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन 8 फरवरी को शेड्यूल्ड हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोट अद्दू में सियासी पावर शो करेंगे। स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। उधर हल्का पीपी 162 लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना सत्तूकतला में पुलिस ने उम्मीदवार मंजर अब्बास खोकर के बेटे की मुदैयत में मुकदमा दर्ज किया। पीपल्स पार्टी के शिकवे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज ही हमले का नोटिस लिया था। बिलावल भुट्टो ने लाहौर पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सियासतदान इख्तदार में रहकर भी खिदमत कर सकता है और इख्तदार के बगैर भी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत को मुकद्दम रखा है। बिलावल भुट्टो ने सही कहा कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए टिकट जारी कर दिए। कौमी असेंबली के लिए 18 और पंजाब असेंबली के लिए 36 टिकटें जारी की गईं। सालिक हुसैन, हुसैन इलाही, मूसा इलाही, तारिक बशीर चीमा कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान और केपी असेंबलियों के लिए 4-4 और सिंध असेंबली के लिए 12 टिकट जारी किए गए। जिला सरगोधा के दो कौमी हलकों में उम्मीदवार के इंतकाल पर इलेक्शन मुलतवी। एनए 85 के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनए 83 का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होने का इम्कान। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है कि उम्मीदवार का इंतकाल 2 जनवरी को हुआ, 15 जनवरी का डेथ सर्टिफिकेट जारी है। नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम मस्जिद का बयान हल्फी भी सामने आए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इंतखाबात के इंतजामात और सिक्योरिटी की मद में 4 अरब 10 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। मोहसिन नकवी का कहना था आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त है। यकीनी बनाएंगे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में असलहे के ममनुआ लाइसेंस के इजरा का नोटिस ले लिया है। असलहा चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि किसी इख्तियार के तहत DIG मर्दान ने ममनुआ असलहा रखने का इजाजतनामा जारी किया। ममनुआ असलहा का लाइसेंस अगर जारी हो सकता है तो कौन करेगा? मुल्क में ममनुआ असलहा के जारी करदा लाइसेंस की तादाद क्या है? अटॉर्नी जनरल, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG से 1 माह में रिपोर्ट तलब। लाहौर समेत पंजाब में खुश्क सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से 10 बच्चे जाँ बहक। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमुई तादाद 172 तक जा पहुंची। नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तियाबी से मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुल्क में बारिश की एंट्री। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाके धुंध के जेरे असर रहे। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट शेड्यूल डिस्टर्ब। 20 रोज में 500 से ज्यादा परवाजें मनसूख की जा चुकी।